देश को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी के वजह से अगर कांग्रेस डूबता है तो हम उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। कोई देश को गाली देगा तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा कि राहुल गांधी देश के सामने में और लोकसभा में आकर के माफी मांगना ही होगा। भारत के संविधान को भी उन्होंने इंसल्ट किया है, जुडिशरी को इंसल्ट किया है। वी ऑल आर इंडियंस, वी मे बी वर्किंग इन डिफरेंट प्रोफेशन बट वी ऑल आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। एनीथिंग रिलेटेड टू द नेशन विल बी ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन। श्रीमान राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता अपने हिसाब से जो भी काम करते हैं, जो बोलते हैं, वो उनका मर्जी है, लेकिन देश को गाली देने का, देश को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये किसी का मर्जी नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जो भी बोलता है अपने पार्टी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी किस परिस्थिति में है ये उनका अंदरूनी मामला है। और राहुल गांधी के वजह से अगर कांग्रेस डूबता है तो हम उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। और हम लोकतंत्र के मंदिर में देश के लिए काम करते हैं, उस लोकतंत्र के पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते अगर हम चुपचाप बैठेंगे, कोई देश को गाली देगा तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। हमारे पार्टी, हमारा नेता और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में अगर कुछ डिफरेंसेस होता है तो हमारे खिलाफ बोलते हैं तो वो चलता है, लेकिन भारत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसलिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि राहुल गांधी देश के सामने में और लोकसभा में आकर के माफी मांगना ही होगा, वरना हम लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन जो भारत विरोधी ताकतें हैं और लंदन के लोग तो सोचते हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं सही है, और लोग सोचते हैं कि भारत में तो बोलने का आज़ादी नहीं है, यहाँ कहते हैं कि प्रेस मीडिया का फ्रीडम नहीं है, जुडिशरी खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, इस तरह का बातें करके देश को नुकसान पहुंचाया है। और एक तरीके से भारत के संविधान को भी उन्होंने इंसल्ट किया है, जुडिशरी को इंसल्ट किया है। हमारा जुडिशरी कमजोर नहीं है, इंडिपेंडेंट है और बहुत मजबूती से अपना काम कर रहे हैं।